कौन सा एक मैं वेब सीरीज देख रहा था, ठीक है, बाबा जाने मन की बात, लॉर्ड बालाजी, नॉट बालाजी पे होते आश्रम, आश्रम दैट वाज वेरी गुड सीरीज। बहुत दिनों के बाद एक बढ़िया पिक्चर देखने को मिला, मैं काफी दिन के बाद देखा। आई कौन से किस किस पे है वो, लाइक क्या बीच एमएक्स प्लेयर है, कोई मेरे को सजेस्ट किया कि भाई तू कहाँ है आजकल। मैंने कहा मैं तो बस सुबह से आप रात बुक केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। तो बोले खाली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएगा, कोई बायोलॉजी के ऊपर भी ध्यान दे। तो मैंने कहा मतलब क्या समझ नहीं पाया क्या बोल रहा भाई, सीरीज देख थोड़ा। मैंने कहा क्या कुछ नया है तो बता। उन्होंने बोला आश्रम सीरीज देख। उन्होंने बोले बॉबी देओल है भाई, ऐसा रहता है चलो सी टाइप फिल्म है तो नहीं भी देखता। बॉबी देओल है अच्छी पिक्चर होगी, बोला एकदम बाबा टाइप। उसका जो ट्रेलर देखा इंटरेस्टिंग लगा कि बाबा पूरा एकदम, मतलब मेरे को लगा कुछ फ्रॉड, मेरे को लगा उसके ऊपर बनाया, वो बाबा राम रहीम के ऊपर, लाइक देख के ऐसा लगा बाबा राम रहीम के ऊपर बनाया, वैसे ही कुछ है। हाँ बाबा राम रहीम टाइप, अबे वैसे ही कुछ है, मैं पूरा सीरीज देखा हूँ तो वैसे ही कुछ है, मैंने वही है। तो फिर मैंने बाबा राम रहीम के ऊपर बहुत टैलेंटेड। फिर देखा बीजेपी, मैंने कहा प्रकाश जी बाबू है, प्रकाश जी हमारे स्कूल के सीनियर है, सैनिक स्कूल में हम लोग के सीनियर थे। प्रकाश जी सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल मैच कर गया। मैंने कहा फिर तो देखना बनता है भाई, प्रकाश झा की मूवी अब तक एक भी नहीं छोड़ी है। मैंने कहा प्रकाश झा भी एक तरह से देखेंगे, पक्का देखना। आश्रम देखना स्टार्ट किया भाई, पहला वाला एपिसोड देखा, इंटरेस्ट डबल फिर ट्रिपल, पता नहीं कहाँ तक इंटरेस्ट चला गया। एक ही रात में पूरी पिक्चर देख डाली। अब आश्रम टू का इंतजार कर रहे थे बैठ के, कब आएगा। इतना इंतजार तो साला हमने प्रीति का भी नहीं किया होगा जितना आश्रम टू का कर रहे थे। अचानक से आश्रम टू आई, दिल बाग बाग हो गया। उसी रात उसको भी पूरा देख लिया, बाबा जाने मन की। खैर तो खा इतना एक्साइटेड हो रहा है, तुम भी देख लिया होगा, तुम नहीं देखे तो इस पता चला कि वो बाबा राम रहीम का बनाया। इतना तो देखे नहीं, अच्छी हुई देखना, देख बहुत सारे चीजें समझ में आती है, पॉलिटिक्स क्या है एंड मेनी अदर थिंग्स। इसका मतलब डिटेल में देखे हो, चलो देखे से मैं क्या तक तीन से समझ पाओगे। अच्छी हुई, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर लोग बना रहे हैं, ये भी बड़ी बात है, दे आर ट्राइंग टू गुड। खैर चलिए लिखना स्टार्ट करिए, वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसेंट्रेशन इज डिफरेंट, वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी, ये हेडिंग लिखवा रहा हूं, थोड़ा लंबा हेडिंग है, लिखिए वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसेंट्रेशन इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कल की क्लास में हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप देखा था। आपको याद होगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू केवी या सिग्मा वी जैसा एक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में निकाला था, या फिर हमने एक और फॉर्मूला निकाला था कि जी इज इक्वल टू, यानी कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी के बराबर, ऑन कंडीशन की जब एल और ए जो है वो यूनिटी होगा। इस तरह का लास्ट क्लास में हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था। और फिर लास्ट जाते जाते तक में एक टर्म पढ़े थे जिसका नाम था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कह रहे हैं आप जब कंसंट्रेशन को जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो जो कंडक्टिविटी है वो एक हद तक ही नीचे गिरती है, उसके बाद उसमें फर्दर डिक्रीज नहीं होता है, और वो जहां तक गिर के रुक जाता है दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी नॉट के जैसे डिनोट किया लास्ट क्लास में, हम लोग यहां तक पढ़े थे। अब हेडिंग डालने के बाद आप वहां पर दो चीजें लिखेंगे। तो कह रहा है कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये कंसंट्रेशन के साथ वैरी करता है, और एक जैसा वैरी नहीं कर रहा, दो के जैसा वैरी कर रहा। दो के जैसा मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में अलग तरीके से वैरी करता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अलग तरीके से वैरी करता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कुछ इसके बारे में डिस्कशन किए थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसे कुछ बताया। अब देखिए मैं दो चीजें लिख रहा हूं, एक है KCl और एक लिख रहा हूं CH3COOH। KCl को जब आप डिसइंटीग्रेट करेंगे या फिर डिसोसिएट करेंगे ये होगा K+ + Cl-।
अगर आप इसे एक्वस सॉल्यूशन में दिए हैं, अगर आप इसे एक्वस सॉल्यूशन में दिए हैं तो ये कंप्लीटली क्या होगा, डिसोसिएट होगा। कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ऑलमोस्ट 100%। मैं नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली 100%, अगर आप 10 टू 100% 95, 98, 99 इस प्रकार से कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन जहां पर आप CH3COOH की बात कर रहे हैं, ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड डिसोसिएट करता है CH3CO-H+। अब देखिए मैंने एक वर्ड यहां पर यूज किया, ये क्या है, वीक एसिड है। थोड़ा सा एसिड बेस के बारे में आपको ज्ञान देता हूं, वैसे तो ये क्लास 11th में पढ़ाना चाहिए, पर चूंकि कुछ लोग ऐसे नहीं भी पढ़े हैं क्लास 11th में, तो उसका एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ये सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है, फिर आ जाऊंगा। और ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। अब देखिए क्या कह रहा है ये, कह रहा मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोला CH3COH इज अ वीक एसिड। अभी मैं बोलता हूं एसिड का डेफिनेशन क्या होता है। एसिड उसे बोलते हैं जो H+ आयन दे, एसिड इज दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जो H+ आयन दे, H+ आयन प्रोवाइड करने वाला एसिड। एसिड का एक और, एसिड के स्ट्रेंथ को चेक करने का एक तरीका होता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। H+ के निकल जाने के बाद अगर ये जो एनायन फॉर्म हुआ है ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो वो एक अच्छा एसिड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एक अच्छा एसिड कहलाता है। दो बातें क्लियर हो गई, एसिड वो जो H+ दे और H+ निकला और उसके बाद जो एनायन बचा है वो अगर ज्यादा स्टेबल है तो भी मैं उसको बोलूंगा कि अच्छा एसिड। अभी अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वीक एसिड है, फिर मुझे ये प्रूफ करना होगा कि ये जो बनने के बाद, माने H+ से निकलने के बाद जो आया है ये रिलेटिवली क्या है, लेस स्टेबल है। अगर लेस स्टेबल होगा तो फिर ये H+ जल्दी नहीं छोड़ेगा, और अगर ये जल्दी नहीं छोड़ा तो ये अच्छा एसिड नहीं, क्योंकि अच्छा एसिड होने के लिए जल्दी से जल्दी H+ छूटना चाहिए। जल्दी से जल्दी H+ छूटेगा तो जल्दी से जल्दी एनायन फॉर्मेशन होगा, और एनायन फॉर्मेशन वही स्टेबल होगा तो आसानी से वो H+ को छोड़ जाने का परमिशन देगा। ऑब्वियस है ना, इसको मैं वैसे तो ऑर्गेनिक में पढ़ाना चाहिए पर मैं ऐसे बोल रहा हूं। मान लीजिए आप एक लड़के हैं और आप किसी को प्यार करते हैं और आपको कोई प्यार करता है, ऐसे ट्रायो सिचुएशन कभी कभी आता है आपके जीवन में, आया होगा या आने वाला हो या शायद कभी ना भी आए, किस्मत। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को टूरू लव कर और कोई आपसे टूरू लव कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से कौन सा सिचुएशन बेटर है, लाइक आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि आप किसके साथ रहना चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, किसके साथ रहना चाहिए, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको, जो आपको प्यार करता है, आप किसके साथ जाना चाहिए जो आपको प्यार करता है। जियो मेरे लाल दिल का बात है, तो अपने प्यार को कौन में जाएगा, क्यों ऐसे अचानक से तुम ऐसे पूरा दिल का वो दिल का दरिया निकल ही गया, ऐसे में क्यों अचानक से पूरा दिल का दरिया निकल ही गया। क्या तुम गाना गा, तुम गाते हो ना, क्या है दिल का दरिया क्या हो रहा है, बह जा रहा है, अच्छा लेकिन इसका पिघला है क्योंकि उधर नहीं जा रहा है, वो रिवर्स जा रहा है, रिएक्शन इज गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन, छोड़ो जाने दो तुम कर रही हो ना ठीक बेटा। अभी यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, ये भाई साहब इसको कर रहे टूरू लव, अगर ये इसको पकड़ के रख रहा है मतलब इस केस के लिए जरूरी है, अगर ये बोल रहा है भाग चलिए जाए तो ठीक, क्योंकि इसके जाने के बाद में ज्यादा स्टेबल हो रहा हूं तो फिर इसको आसानी से छोड़ दे। एसिडिक स्ट्रेंथ का इससे अच्छा एग्जांपल कुछ नहीं होता, एक कंडीशन है जहां पे आप उसको पकड़ के रख रहे हैं और दूसरा एग्जांपल है जहां पे वो आप उसको छोड़ के स्टेबल। यहां पे केस में वो केस है जहां पे ये निकल जाए तो अगर ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, यानी अगर ये एनायन ज्यादा स्टेबल हो गया तब तो बोलेंगे अच्छा हुआ ये चला गया, लेकिन एक केस ऐसा है जहां पे कह रहा है ये चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, ठीक है। अब अगर मेरे को चेक करना है तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करना है, कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ये चला गया यहां पे क्या बचा दिस, अब देखना है यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है तो एक हो रहा है रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसके अंदर, प्लस ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, दोनों के ऊपर छोटा छोटा नेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल प्लस, ये डेल प्लस है लेकिन ये CH3 इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है,
क्लास 11th के जीओसी में ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, इसलिए चाहता हूं कि थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। अब अगर ये CH3 अपना इलेक्ट्रॉन को यहां डोनेट कर रहा है तो इस कार्बन के ऊपर वो डेंसिटी बढ़ा रहा है, कार्बन अपने ऊपर डेंसिटी बढ़ाकर, यानी इस पूरे के ऊपर अगर नेगेटिव डेंसिटी बढ़ा रहा है, यानी खासकर के कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये वाला कंपाउंड इसके निकल जाने के बाद इस तरह के सिचुएशन में फंस गया, यहां पे ये रेजोनेंस तो हो रहा है पर ये इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। बात समझ में आया? कुछ ऐसे एग्जांपल भी होते हैं जहां पे ये जब निकल जाता है तब वो ज्यादा स्टेबल। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए ये मेरा कंपाउंड है, यहां पे OH लगा हुआ। अब अगर ये OH H+ होकर यहां से निकला तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव क्या करता है? यहां पे रेजोनेंस करता है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना स्टेबल। तो मैं बोलूंगा कि ये H+ निकलने के बाद ये ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी ने इसको क्या कर दिया? स्टेबलाइज कर दिया। रिलेटिवली ये उससे क्या है? कम स्टेबल है क्योंकि एक डीस्टेबलाइजिंग एजेंट भी यहां पे क्या हुआ है? लगा हुआ है। अगर ये कम स्टेबल है तो ये इसको क्या बोलेगा? जाने देगा? नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा, रिलेटिवली कम जाने देगा। और अगर ये इसको कम जाने देगा तो H+ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, यानी इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। अरे नहीं निकलने दे रहा तो इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, और डिसोसिएशन नहीं हुआ तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हुआ, यानी इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? कम होता है। और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? ज्यादा होता है। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो ये बात समझ में आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम। डन। हम लोग वेरिएशन चेक कर रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी, और किस केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसमें पहला हेडिंग डालिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये इतना जो कहानी अभी सुना है सिर्फ इसलिए सुना है ताकि आप समझ पाए कि व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएशन, टूटना। कोई अच्छे से टूट रहा, कोई मुश्किल में टूट रहा। अब अच्छे से टूट रहा और मुश्किल से टूट रहा, आप कैसे जज करेंगे? ये एग्जांपल छोड़ के कोई और एग्जांपल दे दिया, देन व्हाट? तो आपको डिसाइड करना होगा कौन सा आसानी से टूटेगा और कौन सा आसानी से नहीं टूटेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए। लॉजिक मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। ये सारा चीज क्लास 11 के जीओसी में हम लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर काफी प्रैक्टिस करवाए थे। अगर 11 क्लास का आपको ध्यान हो, मैंने इसके ऊपर कई सारे सवाल करवाए थे, कुछ कुछ तो पूरा महीने भर का फीस जैसा चैलेंज वाला सवाल भी कराया था कि जो इसको बना देगा उसका पूरा फीस मां कोई नहीं बना पाया, वो बात अलग है। लेकिन आगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रैक्टिकली कंप्लीटली डिसोसिएट एट ऑल कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रैक्टिकली कंप्लीटली डिसोसिएट एट ऑल कंसेंट्रेशन। क्या बोला उसने? प्रैक्टिकली कंप्लीटली डिसोसिएट। कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब देखिए क्या 100% डिसोसिएशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एट ऑल कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन ज्यादा हो कि कंसेंट्रेशन कम हो, वो 100% क्या कर जाएगा? डिसइंटीग्रेट या डिसोसिएट कर जाएगा। आगे लिखिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या बोले? डिसोसिएट एट ऑल कंसेंट्रेशन, फुल स्टॉप। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विथ डाइल्यूशन। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस स्लोली विथ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करता जाता है, यानी जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करेंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लॉजिक क्या होगा इसका? उसने बोला एट ऑल कंसेंट्रेशन से क्या करता है? बहुत अच्छा डिसोसिएट करता है। आप चाहे उसको डाइल्यूट करिए, चाहे उसे एक साथ मैंने कंसेंट्रेटेड रखिए, अगर आप उसे डाइल्यूट कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? मोबिलिटी उसकी ज्यादा बढ़ा रहे। क्यों मोबिलिटी बढ़ा रहे? अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं नंबर ऑफ आयंस घट रहा है, पर जो उसको रोकने वाला उसकी भी तो संख्या घट रही है, तो अल्टीमेटली आपका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाएगा। आसान होगा पर नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड अभी भी वैसे ही है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करने से डाइल्यूट करने से उसकी मोबिल मतलब जो डिसोसिएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
डन। इसको ये जो बात आपसे कहा है, मैंने नहीं कहा है, जिसने कहा है उसका नाम लिखिए। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्वेशन, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्वेशन डिवाई डी ई बी वाई ई डिवाई हकल एच यू सी के ई एल हकल ऑन सागर ओ एन एस ए जी ई आर ऑन सागर इक्वेशन डिवाई डी ई बी वाई ई डिवाई हकल एच यू सी के ई एल हकल ऑन सागर ओ एन एस ए जी ई आर इक्वेशन डिवाई हकल ऑन सागर इक्वेशन, जो कहता है कि जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू माइनस ए टाइम्स रूट सी के बराबर। ये इक्वेशन भाई साहब ने दिया, ये इक्वेशन भाई साहब ने दिया, वेयर सी इज व्हाट, वेयर सी इज कंसंट्रेशन, वेयर मोलर कंडक्टिविटी नॉट इज व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी नॉट इज लिमिटिंग वैल्यू, और ये आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला है, और ए इज वैल्यू फॉर, मैं लिखवा देता हूं ए के बारे में, लिखिए पहले ए इज, ये पहले इक्वेशन लिखिए उसके नीचे लिखिए, ए डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ए डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब NaCl के लिए अगर मैं देखूं ए की वैल्यू, NaCl के लिए ए की वैल्यू इज 1 1 1 1, क्यों, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन, जो क्लोरीन है दोनों एक एक आयन है। लेकिन अगर CaCl2 के लिए देखें इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.1, इसकी वैल्यू होगी 2.1। ये आप उसके नीचे लिख लें कि अलग अलग जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए ए की वैल्यू वैरी करती है। देखिए पहले NaCl के लिए 1-1, CaCl2 के लिए 2-1, MgSO4 अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हो, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो MgSO4, तो इसके लिए क्या होगा 2.2 या 2-2, व्हाई इट इज 2-2, Mg के लिए 2 और SO4 के लिए 2, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसी के लिए ऐसा है, अब ये ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है, अगर NaCl की जगह KCl होता तो क्या लिखते हैं 1-1, अगर CaCl2 की जगह आप मान लीजिए MgCl2 होता तो क्या लिखते हैं 2-1, और MgSO4 की जगह अगर ZnSO4 होता तो भी क्या लिखते हैं 2-2। ये 1 2 कहां से आ रहा है, 1 2 कहां से, पे नंबर ऑफ आयंस के ऊपर बोल रही है, सोडियम का +1 और क्लोरीन का +1, तो दोनों के एक एक है, आयंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसकी वैल्यू जो है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें Na और Cl दो है तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो जब कभी आप निकालेंगे वो Na का अलग निकालेंगे और Cl का अलग निकालेंगे, क्योंकि दोनों अलग-अलग है ना, तो दोनों की मोबिलिटी भी अलग-अलग होगी और दोनों की मोलर कंडक्टिविटी भी अलग-अलग होगी, इसे अलग-अलग निकालते हैं, तो जिसकी वैल्यू होगी उसके लिए आप अलग-अलग निकाल सकते हैं, अभी खेराल्स लॉ वही निकलवाएगा आपको। इसके नीचे आप एक ग्राफ प्लॉट करिए, आप एक ग्राफ प्लॉट करिए जिसके अंदर ये जो मोलर कंडक्टिविटी का इक्वेशन है उसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। द ग्राफ इज बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन के पावर 1/2, द ग्राफ इज बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी दैट इज दिस एंड कंसंट्रेशन के पावर 1/2, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो जो KCl का ग्राफ है वो कैसा आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, KCl का ग्राफ समथिंग लाइक दिस, और इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती जाती है, पर बहुत धीरे कम होती है, स्टीप स्लोप नहीं है। स्टीप स्लोप किसको बोलेंगे, स्टीप स्लोप बोलेंगे जो स्लोप समथिंग लाइक दिस होगा, अभी आपने स्लोप बनाया वो समथिंग लाइक दिस है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, टेन थीटा का काफी बड़ा डिफरेंस है, दिस इज टेन थीटा ऑलमोस्ट जीरो जैसा, दिस इज ऑलमोस्ट 90 के जैसा, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस, और ये स्लोप नेगेटिव क्यों है, ये स्लोप नेगेटिव क्यों है, बिकॉज़ कंसंट्रेशन के सामने कौन सा बनाइन है, नेगेटिव, ये स्लोप क्या होगा, नेगेटिव हुआ, इसको कैसे प्लॉट किया होगा, y is equal to mx plus c से, ये वहीं से प्लॉट हुआ होगा ना, y is equal to
एम एक्स प्लस टी, तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये इंटरसेप्ट होगा, और ये ए जो है इसका क्या होगा, स्लोप होगा, और कंसंट्रेशन का तो हमने लिखा है सी के पार 1/2 के साथ ही तो ग्राफ प्लॉट किया है, इस प्रकार से इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन के बढ़ने से कंडक्टिविटी घट रहा, क्योंकि डाइल्यूशन के बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, हमने अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। अगर आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दी दिस विल चेंज, व्हाट इज दिस, कंडक्टिविटी चेंज। रीजन सिर्फ मोबिलिटी ऑफ आयंस की ही एक फैक्टर तो नहीं है, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो भीड़ भी तो बढ़ रही है, और भीड़ बढ़ेगी तो मोबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा, मोबिलिटी डिक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। भीड़ आप घटा रहे हैं, आप डाइल्यूट कर रहे हैं, भीड़ को घटा रहे हैं, भीड़ घटाएंगे तो जो रुकावट है वो कम होगा, रुकावट कम होगा तो कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन के घटने से यानी डाइल्यूशन से उसकी जो कंडक्टिविटी हो बढ़ेगी। आयंस की संख्या ज्यादा होगी पर रुकावट भी तो करस्पॉन्डिंगली ज्यादा है, मैं कह रहा हूं इस पर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी तो ज्यादा है, कोई भी चीज जहां पर रिस्क ज्यादा ले तो रिटर्न भी ज्यादा, रिस्क कम ले तो कम रिटर्न, यहाँ पे संख्या कम है वहां पे रुकावट कम है तो मोबिलिटी बढ़ जा रही है, यहाँ पे संख्या ज्यादा है वहां पे नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं लेकिन रुकावट भी तो बढ़ रहा है, रुकावट बढ़ रहा है तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन, और ये जो हम लोग कर रहे हैं मैं थोड़े बता रहा हूँ, ये तो इक्वेशन और ग्राफ बोल रहा है इस बात को, और ग्राफ हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बेसिस पे डालते हैं, ये कोई थ्योरी से नहीं बताया जा रहा है, ये तो ग्राफिकल वैल्यू, ग्राफिकल वैल्यू मैंने एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये भाई साहब लोग जो थे डिवाई हकल और अंसागर तीन साइंटिस्ट रहे होंगे, इन्होंने इस इक्वेशन को लिखा होगा इसी के बेसिस पे ग्राफ लिखा होगा, ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट हैं, डिवाई हकल एंड अंसागर, ये तीन साइंटिस्ट के नाम है ना, एक आदमी का नाम इतना गंदा थोड़ा हो सकता है। लिखिए केरोल्स लॉ, KOH LRAUSCH KOH LRAUSCH केरोल्स लॉ। अब देखिए केरोल्स लॉ क्या कहता है, मैं ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट मिटा दूं, ए की वैल्यू कैसे लेते हैं मिटा दूं। अब देखिए ये ग्राफ अभी भी रोक के रखना हो, रीजन उसका इसलिए रोक के रखा हुआ है क्योंकि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, वी हैव ओनली रीड अबाउट दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नहीं पढ़े, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ूंगा तो इसी में मैं इसका ग्राफ भी क्या कर दूंगा प्लॉट कर दूंगा, इसलिए ग्राफ को रहने देते। लिखिए केरोल्स एग्जामिंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फॉर अ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, केरोल्स एग्जामिंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फॉर अ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फाउंड दैट फॉर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विथ सेम नेगेटिव आयन एंड फाउंड दैट फॉर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विथ सेम नेगेटिव आयन बट डिफरिंग ओनली इन द पॉजिटिव आयन differing only in the positive ion pair of electrolyte with the same negative ion but differing in the positive ion, the difference between the limiting molar conductivity value, the difference between the limiting molar conductivity value is constant। मैं वापस से एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। Carroll's examined the limiting molar conductivity value for a number of strong electrolyte and found that for a pair of electrolytes with the same negative ion but differing only in the positive ion, the difference between limiting molar conductivity value is कांस्टेंट। ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। उसके अंदर उसने दो बातें कही हैं, आप अंडरलाइन करिए वो दोनों बातों को। पहला कह रहा है डिफरिंग ओनली इन पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को क्या करा रहे हैं, डिफर करा रहे हैं, और नेगेटिव आयन को क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं।
पॉजिटिव आयन को डिफर करा रहे हैं और नेगेटिव आयन को सेफ रख रहे हैं। क्या बोल रहा हूं इसका मतलब, आपने कहा KCl और NaCl, आपने यहां पे क्या कांस्टेंट रखा है, नेगेटिव आयन सेम रखा है या पॉजिटिव आयन सेम रखा है? नेगेटिव आयन सेम है। लेकिन इसको जब हम कंपेयर कर रहे हैं KBr और NaBr के साथ, अब मुझे बताइए इन दोनों में क्या कांस्टेंट है और क्या डिफर कर रहा है? पॉजिटिव आयन सेम है और नेगेटिव आयन डिफर कर रहे हैं। इसके बाद मैं KI और NaI अगर लिखूं, अब पॉजिटिव आयन सेम है और नेगेटिव आयन वेरी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट? आपने स्टेटमेंट में यही लिखा है, खेरोल्स एग्जामिन्ड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फॉर अ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों? आयनिक कंपाउंड इजीली एक्वा सॉल्यूशन में क्या करेगा, डिसोसिएट करता है, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड फाउंड दैट फॉर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विद सेम नेगेटिव आयन बट डिफरिंग ओनली इन पॉजिटिव आयन, सेम नेगेटिव आयन बट डिफरिंग ओनली इन पॉजिटिव आयन, द डिफरेंस बिटवीन मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ये जो भी वैल्यू आएगा अगर ऐसा आपने किया है तो जो इसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, इसके डिफरेंस की भी होगी, और वही वैल्यू किसकी होगी, इसके डिफरेंस की भी होगी। ये उन्होंने वैल्यू कहां से लाया, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को एग्जामिन करके पता किया। एग्जामिन करके मतलब क्या, ऐसे बैठे बैठे एग्जामिन किया होगा, लेबोरेटरी में चेक किया होगा किसकी क्या कंडक्टिविटी है, और कैसे एग्जामिन किया होगा, उनके पास एक फॉर्मूला था एग्जामिन करने वाला, आपने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले वो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से भाई साहब ने जब एग्जामिन किया तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 23.4 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये खेरोल्ड ने किया। वापस से एक बार और देखिए, अब क्योंकि समझ में आ गया है, लॉ पूरा लिख दिया है बोर्ड पे, अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। खेरोल्ड ने एग्जामिन किया कि जब कभी भी आप सेम कैटायन रख रहे हैं, आपने कैटायन दोनों में क्या रखा है, सेम रखा है, लेकिन एनायंस को क्या कर रहे हैं, अगर चेंज कर रहे हैं, तीन अलग अलग है, इसके अंदर आपने कैटायन एनायन कैटायन एनायन इस तरह से लिखा। अब ये अगर वैल्यू को जब देख रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंट है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर थोड़ा घुसिए, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर घुसिएगा। अब ये KCl है, इसके अंदर दो आयन है, कौन कौन से, मोबिलिटी ऑफ K प्लस एंड मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस। सिमिलरली दूसरे वाले को देखिए, मोबिलिटी ऑफ Na प्लस एंड मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस। अगर मैं इसको डिसइंटीग्रेट करूं तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में Cl उधर भी है और Cl इधर, आपस में एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ इन दोनों के डिफरेंस की वजह से होगा, क्योंकि यहां भी Cl था और यहां भी Cl, ये वैल्यू और इसकी वैल्यू इसके बराबर। इसके बराबर क्यों, क्योंकि इफ यू आर टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यू एज सेम बट यू आर चेंजिंग दिस, आपने क्या किया, यहां भी Br रखा और यहां भी Br रखा, यहां I रखा यहां I रखा, इस प्रकार से जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू को जब हम चेक कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। सिर्फ आपको ये बात जानना है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, सिर्फ ये बात आपको जानना है कि खरोल्स भाई साहब ने इस तरह का कुछ बताया है। इसका बहुत सरल सा एक न्यूमेरिकल आता है, उसी टाइप का न्यूमेरिकल आता है, वो मैं आपको करवा दूंगा। ये बात समझने के बाद आगे लिखिए, इसमें लिखा है कि पॉजिटिव आयन डिफर कर रहा है, तो वहां पे आपको सब जगह नेगेटिव आयन डिफर हुआ, मतलब यहां तो लिखा है कि इस दोनों में नेगेटिव आयन, तुम ऐसे ऐसे भी देख रहे हो और ऐसे ऐसे भी देख रहे हो, इसलिए कंफ्यूज कर रहा हूं। वहां बोला है कि आप किस तीनों में, यहां पे इंडिविजुअली देखें, ये इसका नेगेटिव आयन सेम है और पॉजिटिव आयन डिफर कर रहा है, यहां भी नेगेटिव आयन सेम है पॉजिटिव आयन डिफर कर रहा है, यहां भी नेगेटिव आयन सेम है पॉजिटिव आयन डिफर कर रहा है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो
इवन इफ आप अलग अलग सॉल्ट के लिए निकालें, इन सब की वैल्यू क्या आने वाली है? सेम है, क्योंकि के और एनए के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या रहने वाला है? कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी लें, क्लोरीन क्लोरीन को क्या कर देगा? कैंसल आउट। तो बचेगा क्या? के और एनए। यहाँ पे बीआर बीआर तो क्या कर देगा? कैंसल आउट। तो बचेगा क्या? के और एनए। आई आई को क्या कर देगा? कैंसल आउट। बचेगा क्या? के और एनए। अगर के और एनए तीनों अलग अलग सॉल्यूट अलग अलग आप ले लिए उसके बावजूद भी जो के और एनए का डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या आएगा? सेम आएगा। यही बात भाई साहब बता रहे, केरोल्स भाई साहब। आगे देखिए, यहां तक कर लिख लिया उन्होंने इसी बात को। अब ये तो उसने बताया कि भाई आप डिफर क्या कराइए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को कांस्टेंट रखिए। इसका उल्टा बोला, अगर आप क्या करो कि आप नेगेटिव आयन को चेंज करो और पॉजिटिव आयन को फिक्स करो तो भी यही रिजल्ट आएगा। लिखिए आगे, सिमिलरली ये लिखिए ना, ये तीन लाइन लिखिए, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो उसने एग्जामिन करके बताया कितना होता है। आगे लिखिए, सिमिलरली विद द कॉमन कैटायन, सिमिलरली विद द कॉमन कैटायन द डिफरेंस बिटवीन, सिमिलरली विद कॉमन कैटायन द डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट, इज फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट। अब दूसरी बात जो भाई साहब बोल रहे हैं वो ये है, अगर आप दो ऐसे सॉल्यूशन को ले रहे हैं जिसका कैटायन क्या है? सेम है। जिसका कैटायन क्या है? सेम है। वहां पे क्या सेम रखा था? एनायन सेम रखा था। यहां पे क्या रखते हैं? कैटायन सेम रखते हैं। अब NaCl ले लिया और यहां पर NaBr ले लिया, वो कह रहे हैं केरोल्स भाई साहब, जब कभी भी ऐसा कुछ है तो आपने इस बार दोनों का क्या रखा है? कैटायन कांस्टेंट रखा है। तो इसको अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? K plus Cl minus। इसको डिसोसिएट करेंगे क्या मिलेगा? K plus Br minus। K plus की मोबिलिटी और K plus की मोबिलिटी आपस में एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसल आउट कर देगी। आपके पास क्या बचेगा? क्लोरीन की मोबिलिटी एंड इसी मोबिलिटी मतलब इनडायरेक्टली मोलर कंडक्टिविटी। मोबिलिटी से ही ना कंडक्टिविटी, मैं मोबिलिटी बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा सर, आप इसको तो कंडक्टिविटी नाम दी, मोबिलिटी मोबिलिटी क्यों बोल रहे? मोबिलिटी मतलब मोबिलिटी से ही कंडक्टिविटी आएगा। तो इसमें सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सीएल एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बीआर, यहां पे आएगी एनएसीएल एनएबीआर, यहां पे भी इसकी एनए और इसकी एनए आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। बचेगा क्या? सीएल एंड बीआर। यहां पे भी सीएल एंड बीआर, यहां पे भी सीएल एंड बीआर। इसकी जो डिफरेंस होगी मोबिलिटी की और इसकी जो डिफरेंस होगी मोबिलिटी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू, ऐसे कितना भी लेते जाइए सबका क्या होगा? वैल्यू सेम रहेगा। और खासकर इसका जो वैल्यू है वो होता है 1.8 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये सिर्फ दो वैल्यू उन्होंने बताया। सिर्फ ध्यान रखना है कि किसी एक की वैल्यू को अगर आप कॉन्स्टेंट रख रहे हैं तो दूसरे का जो डिफरेंस है वो चाहे आप किसी में भी चेक करें वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ये स्टेटमेंट से ध्यान रखें, ठीक है? और इसी से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो बन रहा है। लिखिए आगे, द अबव ऑब्जर्वेशन लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ केरोल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, केरोल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। The above observation led to formulation of the Carroll's law of independent migration of iron. इसी को ध्यान में रखते हुए Carroll's ने अपना एक law बनाया जिसको उन्होंने कहा law of independent migration of iron. अगर K और Cl थे और K और Br थे तो K plus और K plus की आपस में जो mobility है, migration मतलब what? माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। मोबिलिटी आपस में क्या हो गई? कैंसिल हो गई। और बच क्या गया? मोबिलिटी ऑफ क्लोरीन और मोबिलिटी ऑफ ब्रोमीन। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? एक दूसरे इलेक्ट्रोलाइट जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें सोडियम और क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम और ब्रोमाइड है। तो सोडियम और यहाँ का सोडियम आपस में कैंसिल आउट हुआ, जो आपके पास बच गया वो बच गया मोबिलिटी ऑफ क्लोरीन और मोबिलिटी ऑफ ब्रोमाइड।
तो इसके वैल्यू में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहां पर भी जो मोबिलिटी को गवर्न कर रहा है वो क्लोरीन और ब्रोमीन है, और यहां पे भी जो मोबिलिटी को गवर्न कर रहा है वो क्लोरीन और ब्रोमीन है, क्योंकि उसका डिफरेंस यहां भी निकाल रहा हूं यहां भी निकाल रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ही होना चाहिए। सेंस बन रहा है? तो अब ये जो लॉ आपने लिखा है वो क्या स्टेट करता है, लिखिए, इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इट स्टेट्स दैट, कौन स्टेट करेगा, ये जो लॉ है हेरोल्ड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ये स्टेट कर रहा है दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इंडिविजुअल सम ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैटायन एंड एनायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और अब जो मैं लिखूंगा इससे आपका पूरा का पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, इसे मैं लिखूंगा लैम्डा ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा ऑफ Cl माइनस। अभी जो स्टेटमेंट आपने लिखा है उसका यही मतलब है। क्या मतलब है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंपाउंड कंस्टिट्यूट्स द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, जो है वो इंडिविजुअल एनायन और कैटायन का है, ये है कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम और कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन। अब थोड़ा सा इसको या इसको जिसको भी आप प्रूफ करना चाहें उसको प्रूफ कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं उसको प्रूफ करता हूं, अगर मैं उसे प्रूफ करूं, इसको अगर मैं प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl लिखा है, कैन आई राइट दिस एज लैम्डा ऑफ K प्लस प्लस लैम्डा ऑफ Cl माइनस माइनस, इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा ऑफ Cl माइनस। अब जरा इसको खोलेंगे, ये कुछ सही लिखा गलत लिख दिया, अच्छा ठीक है सही लिखा क्योंकि मैं उसको लिख रहा हूं, इसको थोड़ा लिख रहा हूं। अब देखिए लैम्डा ऑफ K प्लस प्लस लैम्डा ऑफ Cl माइनस, ये माइनस साइन, लैम्डा ऑफ Na प्लस प्लस ये प्लस नहीं होगा, ये क्या जरा माइनस Cl माइनस, ये देखिए कैंसिल आउट, क्या बच गया, मोबिलिटी यानी कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस माइनस कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम। अगर मैं यही कार्यक्रम इसके लिए भी करूं तो भी वैलिड होगा, अगर यही कार्यक्रम इसके लिए भी करूं तो अल्टीमेटली देखिएगा यही दोनों आ जाएगा। करके दिखाऊं क्या, उसका दूसरा वाले को भी करिए, दूसरे वाले को भी करेंगे, क्या लिखा था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr, इसको आप खोल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लैम्डा ऑफ K प्लस प्लस लैम्डा ऑफ Br माइनस माइनस साइन, इसको लिखेंगे लैम्डा ऑफ Na प्लस लैम्डा ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Br माइनस, कोई दिक्कत। अभी इसको थोड़ा खोलिए, ये नेगेटिव साइन है, देखिए ये नेगेटिव साइन ये वाला इसको क्या करेगा, नेगेटिव कर देगा, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, क्या बचेगा, लैम्डा ऑफ K प्लस माइनस लैम्डा ऑफ Na प्लस। एक ही चीज आ रहा है, अलग अलग चीज आ रहा है, एक ही चीज है, और अगर इनका डिफरेंस दोनों जगह एक ही वैल्यू है तो नीचे वाला वैल्यू कैसे चेंज करें, सेम रहना ही है इसको, बात समझ में आई, तो लॉ को प्रूफ कर दिया कि कैसे वो बराबर हो रहा है। अब इसी प्रकार से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, इसको तोड़ तोड़ के लिखिए, और तोड़ तोड़ के लिखिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा Cl और Br, और यहाँ भी बचेगा Cl और Br, Na Na आपस में कैंसिल हो जाएगा और K आपस में कैंसिल हो जाएगा। यही लॉ को हेरोल्ड्स ने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, हर आयन अपने लिए इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है, उसका अपना एक पर्सनल मोबिलिटी है जिसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आ रही है। ऐसा नहीं है कि कैटायन और एनायन आपस में इंटरडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट, कैटायन की मोबिलिटी अलग, एनायन की मोबिलिटी अलग, बात समझ में आ गया। तो ये आप प्रूफ के रूप में या प्रूफ के तौर पर आप इसको लिख सकते, लिख लीजिए उसके नीचे साउंड नेविगेटिंग सोनार।
अच्छा अभी मोदी जी वहां गए थे तो सुना सोनार बंगला बना रहे थे, बना के चले गए, जम्मू को बना रहे हैं और फिर उत्तराखंड बनाएंगे, अभी धीरे धीरे यूपी होते हुए बिहार तक आएंगे। तुम प्रो मोदी हो एंटी मोदी हो? प्रो मोदी। अच्छा कौन कौन प्रो मोदी एंटी मोदी? कुछ नहीं है दोनों कुछ भी दोनों न्यूट्रल वोट डालेंगे ना नेक्स्ट ईयर से अगली साल डलवा दोगे मैंने इलेक्शन चाहे जाओ मैंने तुम 18 के हुए और चलेगा बटन दबाने भैया इलेक्शन हो कि नहीं हो जाके इलेक्शन कमीशन को बोला दिखाइए बटन दिखाइए बटन दिखाइए अभी वो डालने हैं मेरे को क्योंकि अब मैं 18 का हो गया हूं आपने दो टाइम आया तो टाइम में अरे 18 को भी चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन को दिया मैं 18 हो गया लग रहा है तुम्हें कभी ऐसा तो नहीं लगता कि तुम भगवान नहीं हमेशा लगता है तुम भी जाके छत पे कभी करते हो क्या ब्रह्मास्त्र देखना बेटा उसी टाइम अगर भगवान लाइट नहीं कर रही है सारा ब्रह्मास्त्र चला आया अंदर क्या एप्लीकेशन ऑफ क्रॉल्स लॉ सारा बोरिंग टॉपिक में इतना इंटरेस्ट डेवलप कराना पड़ता है देख रहे क्या करें एप्लीकेशन ऑफ क्रॉल्स लॉ राइट क्या क्या एप्लीकेशन है मतलब ये जो हम लोग कांड किए हैं अभी ये जो केरोल्स भाई साहब ने जो कांड किया है इस कांड का हमारे क्या यूज में आएगा व्हाट एप्लीकेशन विल डू हमें इससे क्या पता चलेगा पहला आप वीक इलेक्ट्रोलाइट अच्छा इंग्लिश में द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution can be calculated the molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution pehle to ye infinite dilution ka matlab kya ek glass se ek bool nikala fir usko ek naye glass mein dal diya fir usse ek bool nikala fir ek naye glass mein dal diya aisa kab tak karte ja rahe karte hi ja rahe infinity tak matlab ek glass pani mein 10 chamach chini dala usme se ek chamach utha ke ek naye glass mein dal diya फिर उसको मिलाया उससे फिर एक चम्मच उठा के फिर एक नए ग्लास पानी में डाल दिया ऐसा करते ही जा रहे हैं तो जो सबसे लास्ट वाला ग्लास होगा जिसमें चीनी होगा भी कि नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है उसमें अगर मेरे को कंडक्टिविटी निकालना है तो हम इस तरीके से जो खराब उसने लॉ दिया उससे निकाल सकते ऐसा वो क्लेम कर रहा है मैंने देखा नहीं है कभी क्लेम कर रहा है कि ऐसे करते हैं और बोल रहा है तो करते ही हम दूसरा भी बताइए डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बताइए मैंने कैन बी कैलकुलेटेड अब अकेले का है बैठ के कितना बढ़िया तो दिया के बगल में बैठा करते हम भी मिलते हैं ना बच्चा देख सके क्या लिखा हुआ है ऊपर सेकंड सेकंड स्वामी विवेकानंद बंदर की दया ना बोले एकला चलो अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर एकला चलो क्यों मैं सब अरे मिल बांट के चलो वो भी अभी खाली है बोली ना थोड़ी देर पहले सेकंड वाली डिग्री ऑफ दिस नहीं उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं आप ही लोग के लिए पूछता हूं भाई मेरा क्या मैं तो बुक दो आप ही लोग का हेल्प कर रहा हूं कि कंफर्म करा रहा हूं कौन खाली है कौन बिजी चल रहा है किसकी लाइनें व्यस्त हैं किसका लाइन तुरंत लग रहा है कवर अच्छी तरह से बाहर है ये पूरा समझती है अरे तू डायरेक्ट कनेक्शन में चली गई लग रहा है माने फ्रीक्वेंसी मैच होने से ज्यादा मैच कर गया है तेरी तो वो कह रही इस रूट की सभी लाइनें अच्छा किसका रूट भी व्यस्त रहेगा नहीं तो दिया का रूट अभी व्यस्त नहीं है इसलिए बोल थोड़ी देर पहले तो खुद बोल नहीं है व्यस्त मैं ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना भी नहीं चाहिए यूज एंड डोंट्स में बताया जाना नहीं लेना चाहिए लेकिन डिग्री ऑफ वाइज ये वीडियो अपलोड नहीं हो सकता इसे निकाल लिए वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेकंड पॉइंट लिखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो सेकंड जो इसका उपयोग है वो किस में है आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है उसको भी आप क्या कर सकते हैं
पता कर सकते हैं। तीसरा उपयोग, नोइंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, नोइंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएशन क्या कॉन्स्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, नोइंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। Knowing the degree of dissociation, the dissociation constant of weak electrolyte at a given concentration of solution can be calculated. तो dissociation constant capital K आप वहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कब? जब आपको degree of dissociation alpha की value बता हो। अब इसका मैं एक formula लिखा दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि how you can calculate the value of K when you know the value of अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको पता है तो आप के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लास्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी कैलकुलेटेड। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, SPARINGLY, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी कैलकुलेटेड। व्हाट डू मीन बाय स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट? सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble salt can be calculated. SPARINGLY, sparingly soluted soluble salt. कम soluble salt, बहुत ज्यादा soluble नहीं है, उसकी solubility भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के आपने चार इसके application पढ़े। इसका question जब भी आएगा, अगर exam में multiple choice में आएगा, what are the applications of chiral fluoride, पांच option दिया होगा, उसमें से any तीन या any चार आपको ट्रू रहेगा, उसको सेलेक्ट करके लिखना है। ऐसे एक सवाल पहले कभी आईआईटी में पूछा गया था, शायद 2017 या 18 के आसपास में कभी ये पूछा गया था। ऑनलाइन था, उसमें कई बार एक बार एग्जाम हुए थे, पहली बार ऑनलाइन कब 18 में, कोई बहुत सारे पेपर, तो एक पेपर में ये सवाल आया था कि एप्लीकेशंस क्या-क्या है। उस पांच ऑप्शन था ABCD की, उसमें से आपको चुनना था कि कौन-कौन सा एप्लीकेशन है। कांसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तो आप आसानी से लिखा। बहुत क्वेश्चन पूछता है, आईआईटी ही पूछ रहा है, इसीलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। और स्किप सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट टाइम 2010 में एक सवाल पूछा था, उसका आज तक ही पूछा। आईआईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर पता नहीं शायद होता हो, किसी कॉन्सेप्ट में यूज आता हो। लिखे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब हेडिंग डालें फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन लिख रहे हैं। वैसे कंसेप्चुअली अभी थोड़ी देर पहले जब आज की क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको ये बताया था CH3COOH acetic acid से वो एक weak electrolyte है, because उसका degree of dissociation कम है। क्यों कम है, क्या कारण है, सारा कुछ मैंने आपको समझाया। The electrolyte which do not dissociate, या the electrolyte which do not ionize completely in aqueous as well as molten state, in aqueous as well as molten state is known as weak electrolyte, is known as वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसे ही हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3, कोई बताएगा H2CO3 किसको बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3 लिख लीजिए। ये दो एसिड हैं जो काफी वीक होते हैं। डन। और इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम विद मोलारिटी एंड ऑल, तो जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, कुछ इस प्रकार का आता है। इस ग्राफ का मतलब क्या है, ये ग्राफ जो मैंने बनाया ये किसके बना है, CH3COOH। और मैंने आपसे कहा था ना कि ये वाला ग्राफ कहां पूछा गया था, सेम ग्राफ एज इट इज, कुछ चेंज नहीं, कुछ वैल्यू सब, बस यही ग्राफ लिख दिया था। आपसे कहा था बताओ कि पूछा था कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो बेस्ट ग्राफ डिपिक्ट कौन कर रहा है, ऐसे चार ऑप्शन दिए थे, उसमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट था, बस सीधे ये सवाल पूछा। तो इस तरह का अगर कोई सवाल आ जाए तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इस ग्राफ को थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी वो ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रही है। वेयर एज जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जा रहे हैं, कंसंट्रेशन घटता जा रहा है, एक टाइम के बाद देयर इज अ सडन इंक्रीज,
ऑलमोस्ट जो आपका लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो कंडक्टिविटी बहुत हाई हो गई। यानी जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप डाइल्यूट करते हैं उस टाइम उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। रीजन सेम, नंबर ऑफ आयंस जो डिस्टर्ब करने वाले वो कम है, तो आयन को अगर पहले कम डिसोसिएट हो रहा था लेकिन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया तो डिसोसिएशन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, जिसकी वजह से जो आपका मोलर कंडक्टिविटी वो क्या हो गया, सडन इंक्रीज कर गया, बहुत तेजी से राइज कर गया, ऑलमोस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस। बात समझ में आ गई। एक सवाल लिखिए, जो सवाल 2010 में पूछा गया था, मैं चाहता हूं कि खेराउस लॉ के ऊपर एक सवाल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पता तो नहीं कि किस तरह का सवाल पूछ सकता है, राइट। कैलकुलेट कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एन एसिडिक एसिड, फॉर एन एसिडिक एसिड, गिवन दैट मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इस प्रकार से लिखिएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, ऑफ HCl इज इक्वल टू 426 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl दिया गया है 126 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड जो लास्ट आपकी कंडक्टिविटी है दैट इज एसीटेट आयन की कंडक्टिविटी, दैट इज CH3COONa, CH3COONa, इसकी वैल्यू जो दी गई है वो है 91 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस प्रकार से आपको सारी वैल्यू दी गई है और आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। आपको क्या करना चाहिए वो सोचिए, मैं आपको सोचवाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इन सबको तोड़ लीजिए, इसको तोड़िएगा तो आप क्या लिखिएगा, इसको तोड़ के आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे लैम्डा नॉट एच प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसको भी तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो आप क्या लिखिएगा, इसको तोड़िएगा तो लिखिएगा NaCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, और इसको तोड़िएगा तो आप क्या लिखिएगा, इसको तोड़िएगा तो लिखिएगा CH3COONa इज इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस। अब आपको यह सोचना है कि इसमें से आपको कौन कौन सा चाहिए, तो आपको निकालना कौन कौन सा है, CH3COO माइनस एंड H प्लस, तो इसका मतलब आपको ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको ऐसे लिखना है कि सब कट पिट जाए। तो ये देखिए, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपस में कटेगा, ये पहले से प्लस है लेकिन अगर इसको माइनस कर दिया तो ये प्लस वो माइनस आपस में कट जाएगा और तब लास्ट में ये और ये बच जाएगा। इसको इस प्रकार से अरेंज करिए जिससे कि ये क्या हो जाए, सिर्फ आपके पास क्या बचे, H प्लस और CH3COO माइनस, तभी ना उसको मिला के आप क्या लिखिएगा, CH3COOH लिखिएगा। बात समझ में आई। तो इन इसको इस प्रकार से जोड़ या घटाव करना है, तो जोड़ घटाव करने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूं। आप सबसे पहले HCl लिखें, इसमें इसको जोड़ें और इससे NaCl को माइनस कर दें, यानी इसको आंसर जो आएगा वो कैसे आएगा, इसको आंसर आएगा, देखिए आप लिखेंगे लैम्डा, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी CH3COONa, और इसमें से आप क्या कर दीजिए, NaCl को माइनस कर दीजिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस कर दीजिए। यहां से ये प्लस में होगा, ये वाला माइनस में, तो Cl और Cl क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये वाला Na प्लस में और ये वाला Na माइनस में, ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बच गया, H और CH3O,
इन तीनों वैल्यूज को जैसे आपने लिखा है उसकी वैल्यू उठा के लिख दीजिए। ये इसको लिखेंगे HCl तो क्या आएगा 426 प्लस इसकी वैल्यू 91 माइनस 126। सॉल्व करिए 426 में से 126 दिया 300 और 300 में 91 जोड़ दिया 391 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका क्या हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। आसान सिर्फ हेस लॉ पढ़े ना क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पे आपको यही गुदी लगाना होता है ना कि क्या ऐसा कर दें, किसको किससे जोड़ दें, किसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, हिट एंड ट्रायल करके कि आपका फाइनल इक्वेशन बन के आ जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी गुदी लगाना कि किसको किसके साथ जोड़ घटाओ करें कि आपका आंसर आ जाए। तो आपने HCl और CH3CONa को जोड़ा और उसमें से NaCl घटा दिया क्योंकि Na माइनस और यहां पर ये यहां पे क्या था प्लस में था और यहां पे माइनस में, आपस में कैंसिल हो गया। HCl का Cl यहां पे क्या था प्लस में और यहां पे माइनस साइन, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो Cl Cl कैंसिल, Na Na कैंसिल, आपके पास बच क्या गया H+ और CH3COO-, H+ और CH3COO- मिलके क्या बनाएगा CH3COOH। यहां पे एनायन पहले लिखा हुआ और कैटायन बाद में लिखा है, जबकि जनरली जब आप सॉल्ट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं आगे लिखते हैं कैटायन बाद में लिखते हैं एनायन, पर इस केस में चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें आप कोई जरूरी नहीं कि पहले आप कैटायन लिखें बाद में एनायन लिखें, क्योंकि इसमें कंपाउंड लिखा हुआ है ऑर्गेनिक का, तो आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। यहां तक समझ जाने के बाद आपका जो अगला हेडिंग है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हेडिंग डालें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।